नमस्कार, हमारा राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। वसुंधरा सरकार में उठाया विदेशों का लुत्फ, अब जयपुर से बाहर जाने को कतरा रहे हैं आईएएस अफसर। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया पुलिस थाना क्षेत्र में हुई बड़ी कार्रवाई। जयपुर कैंपस में आज वैक्सीनेशन कार्यक्रम का किया गया आयोजन। और खबरें विस्तार से। कोरोना काल में आईएएस अफसरों की हवाई यात्राओं पर ब्रेक लग गया है। प्रदेश के आईएएस से लेकर आरएएस अफसर देश विदेश की यात्राएं करने से कतरा रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से राज्य से बाहर जाने पर कोई पाबंदी नहीं, इसके बावजूद ब्यूरोक्रेट्स राजधानी जयपुर को छोड़कर बाहर जाना नहीं चाह रहे हैं। आलम यह है कि कोरोना काल से पहले राज्य के कार्मिक विभाग के विभाग की बेहतरी के लिए प्रशिक्षण और योजनाओं को कैसे अच्छी तरह से लागू किया जाए के नाम पर देश विदेश यात्राओं का लुत्फ उठाने के लिए सैकड़ों आईएएस अफसरों के आवेदन आते थे, लेकिन इस बार अफसरों ने कार्मिक विभाग को ट्रेनिंग के नाम पर यात्रा करने के लिए आवेदन नहीं किया। प्रदेश के आईएएस अफसर जिस विभाग में रहते हैं उस विभाग की बेहतरी के लिए प्रशिक्षण के नाम पर विदेश यात्राएं करते रहे। पिछली वसुंधरा सरकार के समय अफसरों ने 75 बार प्रशिक्षण के नाम पर विदेश यात्राएं की, लेकिन राज्य में सत्ता परिवर्तन होते ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार की आर्थिक सेहत का हवाला देते हुए मंत्रियों और अफसरों की विदेश यात्रा पर रोक लगा दी थी। गहलोत सरकार ने 1.5 माह के भीतर ही 5 आईएएस अधिकारियों के एच गुइटे, मुग्धा सिन्हा, कुलदीप रांका, सुबोध अग्रवाल और गौरव गोयल को विदेश यात्रा पर जाने की अनुमति नहीं दी। हालांकि सरकार ने बाद में यह रोक हटा ली थी। उत्तर भारत में कोरोना वायरस का पहला केस राजस्थान में आने पर प्रदेश की गहलोत सरकार ने पिछले साल 22 मार्च को सबसे पहले लॉकडाउन प्रदेश लागू कर दिया था। पिछले साल की 22 मार्च से लेकर इस वर्ष के जून महीने तक किसी भी ब्यूरोक्रेट्स ने हवाई यात्रा के लिए आवेदन नहीं किया। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया पुलिस थाना में एक बड़ी कार्रवाई हुई। प्रफुल्ल राम आईपीएस महानिरीक्षक पुलिस बीकानेर रेंज व प्रीति जैन आईपीएस पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन के तहत संगरिया थाना प्रभारी विजय कुमार मीणा ने अपने पुलिस स्टाफ राजाराम हेड कांस्टेबल, संजय कुमार कांस्टेबल सहित संगरिया से हनुमानगढ़ रोड मानकसर गांव के पास गश्त के दौरान 25 जून को 9:30 बजे के लगभग गांव शेरगढ़ की तरफ से दो बाइक सवार संगरिया की तरफ आ रहे थे। पुलिस द्वारा रोकने पर तलाशी लेने पर उनके पास एक प्लास्टिक थैला मिला जिसमें 1750 ट्रामाडोल नशीली टेबलेट और बिना नंबरों की मोटरसाइकिल थी। पुलिस द्वारा नाम पता पूछने पर मुलजिम एक गगनदीप उर्फ हर्ष पुत्र बलविंदर सिंह रामगढ़िया उम्र 21 साल निवासी बजीतपुर भोमा पुलिस थाना भाववाला पंजाब का बताया, तो वहीं दूसरे ने अविनाश कुमार उर्फ रमेश कुमार पुत्र रामवीर जाति शाक्य उम्र 32 साल निवासी पोस्ट ऑफिस के नजदीक चोटाला पीएस सदर डब्बावाली हरियाणा का बताया। वहीं पुलिस ने पकड़कर संगरिया में ले जाकर धारा 8/22 स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को टीबी थाने में भेज दिया। जयपुर का आमेर, जहां पर पर्यटकों का आना जाना लगा रहता था, आज वहां बहुत कम लोग नजर आ रहे हैं। कोरोना के चलते यहां पर बहुत ही कम लोग आ रहे हैं, वहीं टूरिस्ट बिल्कुल भी नहीं है। ने यहां पर पुलिसकर्मी से बात की तो उन्होंने बताया कि ज्यादातर पर्यटक हरियाणा एमपी से आ रहे हैं और कुछ लोग जयपुर के आसपास के इलाके के आ रहे हैं, बहुत ही कम लोग यहां नजर आ रहे हैं। कोविड के चलते लोगों का आना जाना नहीं हो रहा। जो लोग आ रहे हैं उन्हें मास्क के साथ बिना एंट्री नहीं दी जा रही, प्रोटोकॉल की गाइडलाइन के तहत कार्य किया जा रहा है। डीपी के न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपका साथी सहयोगी आसिफ खान। जैसे कि हम फिलहाल अभी इस वक्त मौजूद हैं आमेर के अंदर और हम आपको दिखा रहे हैं कि आमेर के अंदर जहां भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र रहता था, जहां लोगों की भीड़ रहती थी, आज वहां पे बिल्कुल खाली और सुनसान सा पड़ा है। आपको दिखाते हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों का इतना लोग आ रहे हैं लेकिन इतने लोग नहीं हैं जितने पहले भीड़ भाड़ होती थी। यहाँ पर काफ़ी सुरक्षा और काफ़ी सैनिटाइज़र और मास्क का प्रयोग करके लोगों को एंट्री किया जा रहा है। चोमू से खबर, जहां उदयपुरिया मोड़ चोमू में निजी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट जयपुर कैंपस में आज वैक्सीनेशन कार्यालय का आयोजन किया गया। यूएम द्वारा आयोजित वैक्सीनेशन कार्यक्रम यूनिवर्सिटी के मौजूदा विद्यार्थियों व पूर्व विद्यार्थियों के लिए आयोजित किया। उपनिदेशक प्रोजेक्ट संदीप कुमार अग्रवाल ने बताया कि यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित वैक्सीनेशन शिविर यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर
बिस्वासाए चटर्जी की पहल पर आयोजित किया, जिसका संपूर्ण खर्च यूनिवर्सिटी द्वारा अपने स्तर पर वहन किया। वैक्सीनेशन शिविर में मौजूदा विद्यार्थियों के अलावा पास आउट विद्यार्थियों ने भी भाग लिया। हाँ उद्देश्य ये यूनिवर्सिटी की ओर से जो वैक्सीनेशन ड्राइव आयोजित हो रहा है उसके बारे में क्या कहना आपका? सर जो एलुमनी मेंबर्स और स्टूडेंट्स के लिए जो यूनिवर्सिटी यूएम ऑफ यूनिवर्सिटी के द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है बहुत अच्छा है, बिकॉज हम गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइजिंग जो वैक्सीनेशन किया जा रहा है उसके लिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन के स्लॉट्स नहीं मिल रहे हैं, बट यहाँ पे हमको एक्सेल फ्री और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कोविशील्ड लेकर, और बहुत ईजी वे में मुझे कोविशील्ड मिली जो कि मेरे लिए और मेरे फैमिली के लिए बहुत हेल्दी रहेगा, क्योंकि दैट इज द ओनली वे बाई विच वी कैन बी लाइक बी सिक्योर विद कोविड 19 सेकेंड वे और द फर्स्ट वे और थर्ड वे। सो दिस इज अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव और आई थिंक आई विल बी वेरी अप्रिशिएट एंड वेरी बी थैंकफुल टू द यूएम ऑर्गेनाइजेशन एंड द होल ट्रस्ट बाई विच आई एम गेटिंग हेल्पफुल टू गेट द कोविड 19 वैक्सीनेशन। ओके, कौन से बैच के स्टूडेंट हो? आई एम पास आउट फ्रॉम 2019 बैच फ्रॉम सीएससी ब्रांच। आपका नाम क्या है? उद्देश्य पारिक। ओके थैंक यू। ये यूनिवर्सिटी ने जो वैक्सीनेशन ड्राइव आयोजित किया उसके बारे में क्या कहना आपका, क्या विचार है? जिला पुलिस अधीक्षक श्री गंगानगर ने बताया कि वर्तमान में नशा एक राष्ट्रीय समस्या का रूप ले चुका है। करोड़ों लोग नशे की समस्या से ग्रस्त है। भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त 2020 से देश के 272 जिलों में नशा मुक्ति भारत अभियान चलाया जा रहा है। इसमें नशे के आदि रोगियों को नशा मुक्त कर समाज की मुख्य धारा में शामिल करना है। इस अभियान का उद्देश्य है इसी तरह अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व उपयोग का प्रचलन रोकने के लिए प्रभावी नियंत्रण के लिए रेंज स्तर पर 12 नवम्बर से विशेष अभियान ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है। इन्हीं अभियानों के अंतर्गत आज 26 जुलाई को मनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन गंगानगर में कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए नशा मुक्ति जन जागृति कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को श्री गंगानगर पुलिस के फेसबुक पेज पर लाइव भी किया गया। कार्यक्रम में मन पुलिस अधीक्षक के अलावा सहीराम बिश्नोई, आरपीएस, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री गंगानगर, नशा मुक्ति विशेषज्ञ डॉक्टर रविकांत गोयल के द्वारा विचार भी व्यक्त किए गए। झलावाड़ से खबर, जहां डग भारतीय स्वर्णकार परिवार महासंघ राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा किशोर सोनी की सामाजिक क्षेत्र में विगत वर्षों से सेवाओं को देखते हुए समाज उत्थान को आगे बढ़ाने के प्रयासरत राजस्थान में चयनित प्रदेश मीडिया प्रभारी राजस्थान के पद पर बने रहने का दायित्व दिया, जिसमें क्षेत्र में समाज में खुशी की लहर व्याप्त है। मालूम होने पर डग ब्लॉक के सभी मीडिया परिवारों ने सोनी के निजी आवास पर श्रीफल माला साफा पहनाकर स्वागत किया व मुंह मीठा करवाया और उनके उन्नति के पथ पर अग्रसर होते रहने के लिए सभी ने शुभकामनाएं व नई ऊर्जा प्रदान की है। झालावाड़ के अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर डग पुलिस प्रशासन ने उच्च अधिकारियों के निर्देश पर मोटरसाइकिल से जागरूकता रैली थाना परिसर से शुरू की, जो कि मुख्य मार्गों पुराना बस स्टैंड, सब्जी मंडी, बुधवारिया दरवाजा, हालोथीडा, गणेश चौक, नीम चौराहे से होते हुए गंगधार दरवाजे होते हुए रैली निकाली, जिसमें पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार का नशा नहीं करने के लिए रैली निकालकर जनता को जागरूक किया। सर आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पे पुलिस प्रशासन द्वारा जो रैली निकाली जा रही है, इसमें सर जनता को क्या संबोधित करना चाहेंगे? सर आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस है, इस पर हमारे पुलिस मुख्यालय से आदेश मिले हैं कि जो भी बड़े कस्बे हैं इसमें आप बाइक रैली निकाल कर लोगों से प्रचार प्रसार करें, और लोगों से मेरी यही अपील है कि नशे से दूर रहे, चाहे वो किसी भी प्रकार का नशा हो। नशा नाश की जड़ है और ये परिवार को नाश करता है, इसलिए ये अभियान 1 हफ्ते तक चलाया जाएगा, इसमें हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने की कोशिश करेंगे। खबर श्री गंगानगर से, जहां गसिंहपुर में कलयुग बेटे ने अपने पिता पुत्र के रिश्ते में एक ऐसा दास्तान लिख दी जिस इलाके में बुजुर्ग पिता अब खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। देश में जहां माता पिता को भगवान का दर्जा दिया जाता है, इधर गंगानगर के गसिंहपुर क्षेत्र में एक बेटे ने मामूली सी कहा सुनी को लेकर पिता को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें गसिंहपुर के गाँव 2FFB में अपने पोते को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मोबाइल दिलाना मृतक के बेटे को नागवार गुजरी फोन की वजह से पिता पुत्र में कहा
कासुनी हो गई। कासुनी इतनी बढ़ गई कि शराब के नशे में बेटे ने अपने ही पिता पर धारदार गंडासी से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। बीच बचाव के दौरान मां को भी निशाना बनाते हुए गंडासी से वार कर दिया। ग्रामीणों ने घायल अवस्था में दोनों घायलों को गसिंहपुर राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां औपचारिक इलाज के बाद दोनों को गंगानगर रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान पिता ने दम तोड़ दिया। वहीं हमले में घायल मां की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मृतक मेजर का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। इस वारदात की सूचना दूसरे बेटे ने पुलिस को दी। पुलिस ने घटना की रात को ही मौके पर पहुंचकर आरोपी पुत्र को राउंड अप कर लिया। आरोपी के भाई द्वारा दिए परिवाद पर आरोपी पुत्र हरप्रीत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और आईपीएस की धारा 302 और 307 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। वारदात में इस्तेमाल धारदार गंडासी को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। हत्या के आरोपों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि बीते कई वर्षों से आरोपी बेटे को घर में तवज्जो नहीं मिलने पर इस वारदात को अंजाम दे दिया। इसके अलावा भी क्या कुछ वजह रही, दूसरे एंगल से भी पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। अलवर से खबर, जहां जिले के अरावली विहार थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल गैंग का खुलासा किया। एसपी तेजस्वी गौतम ने बताया कि शहर के विभिन्न इलाकों से बाइक चोरी की घटनाएं सामने आ रही है। एसएचओ जहीर अब्बास के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चोरी की बाइक खरीदने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 26 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। इस मामले में एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। विगत कुछ दिनों से अलवर शहर में और आसपास के इलाकों में दुपहिया वाहन की चोरी बहुत तेज़ी से हो रही थी। इसमें हमारे पास जो मुकदमे दर्ज हो रहे थे, तो हमारी सारी टीमें सिविल में भी इश्तराक में थी कि हम इन चोरों को रेड हैंडेड पकड़ें या कहीं ना कहीं से कोई सूचना आए जिससे हम ये ट्रेस आउट कर सकें कि कौन सी गैंग्स हैं जो ऑपरेटिव हैं। इसी क्रम में अरावली विहार थाना क्षेत्र में एडिशनल एसपी सीओ ग्रामीण और एसएचओ अरावली विहार जहीर अब्बास के नेतृत्व में बहुत ही बढ़िया शानदार काम करते हुए कांस्टेबल राजेंद्र की सूचना पर मुख्य भूमिका कांस्टेबल राम कुमार ने निभाते हुए इन एक मोटर साइकिल वाहन चोरों की गैंग को पकड़ा गया है, जिसमें हमने 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। राजेंद्र, प्रेमचंद और मुबारक, इनमें से एमआईए गोविंदगढ़ और गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के, ये 2 गोविंदगढ़ और 1 एमआईए क्षेत्र के रहने वाले ये 3 लोग हैं। इनसे 26 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं जो इन्होंने वेरियस थानों से चुराई हैं, जैसे कि एमआईए अरावली विहार, रामगढ़, किशनगढ़ बास और आसपास के क्षेत्रों से भी इन्होंने मोटरसाइकिलें चुराई हैं जो रिकवर हुई हैं। एक मास्टर चाबी इनके कब्जे से हमको मिली है, जिसको यूज़ करते हुए सूने जगहों पर या जो लोग पार्किंग के अंदर नहीं खड़ी करके बाहर पार्किंग का पैसा बचाने के लिए बाहर सूने जगहों पर खड़ी करके चले जाते थे, उनकी फिराक में रहते थे और मास्टर चाबी का उपयोग करके तुरंत ले जाकर ये मोटरसाइकिलों को बेच दिया करते थे। इनसे एक फर्जी नंबर प्लेट भी बरामद हुई है, उसकी भी हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं कि आगे ये किस किस को बेचते थे, क्या इनकी पूरी चेन रहती थी और भी इन्होंने कोई मोटरसाइकिल चोरी करके कहीं दी हो तो उनको भी बरामद करने की पूरी कोशिश अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान। जयपुर के बस्ती थाना पुलिस ने बालक का अपहरण कर फिरौती मांगने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार आरोपी दौसा जिले का रहने वाला है, जिसके साथ अन्य साथियों की तलाश अभी जारी है। पुलिस ने आरोपियों के चुंगल से बालक को सकुशल मुक्त करवा लिया। एसपी सुरेश सांखला ने बताया कि 24 जून को राजकुमार शर्मा ने थाना पुलिस को सूचना दी थी, जिसका लड़का दवेश सुबह 11 बजे कुएं पर नहाने गया था। उसके बाद काफी इंतजार करने पर जब भी वह वापस घर नहीं लौटा तो घरवालों ने आसपास क्षेत्र में उसकी काफी खोजबीन की। इसी दौरान उसके बेटे दवेश के मोबाइल नंबर से ही पिता राजकुमार के पास फोन आया। फोन करने वाले ने उससे 5 लाख रुपए की मांग की। इस पर राजकुमार ने कहा कि इतने पैसे तो उसके पास नहीं है। ये सुनते ही फिरौती मांगने वाले शख्स ने बेटे दवेश से बात कराई, जिस पर वह रोते हुए कह रहा है कि पापा मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार देंगे। ये सुनते ही पिता घबरा गए। उसने तुरंत अपहरणकर्ता से बात की, तब वह कहने लगा कि 3 लाख रुपए और घर में जो जेवरात रखे हैं उसे लेकर हमारे बताई गई जगह पर आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे बेटे को मार देंगे। बसी थानाधिकारी सोहन लाल के अनुसार उसके तुरंत पुलिस थाना बस्सी के नेतृत्व में थाना तुंगा और थाना लवान के सहयोग से पुलिस टीम बनाई गई। टीम ने अपहरणकर्ता के बताए गए स्थान पर योजना अनुसार झाड़ियों के पीछे छिपकर बैठ गई। तभी एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर फिरौती की रकम लेने के लिए 2 लोग आते हुए दिखाई दिए। जैसे ही उनसे एक राजकुमार के पास आया तो पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए तुरंत उन्हें पकड़ने के लिए दबिश दी। तभी पुलिस को देखते ही वो दोनों नई नाथ के जंगलों की तरफ भागे। काफी पीछा करने के बाद पुलिस ने
उनमें से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी चंद्रमोहन उर्फ सीएम उर्फ बल्लू निवासी दोसा का बताया। प्राथमिक पूछताछ के बाद अन्य साथी मुकेश मीणा और दिनेश मीणा निवासी कोटापट्टी सहित सुनील पांचाल निवासी पूर्णवास बसी थाना पुलिस की तलाश जारी है। झालावाड़ जिले के पिडावा में व्रत क्षेत्र के पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर वाहन रैली निकालकर नशा छोड़ने का संदेश दिया। डीवाईएसपी धनाराम गुजर के नेतृत्व में व्रत क्षेत्र के सुनील के मनसीराम बिश्नोई पिडावा सीआई दौलत साहू रायपुर से इस्लाम अली आदि पुलिस ने एक वाहन रैली निकालकर नशे को छोड़ने का संदेश दिया। करौली से खबर, जहां एमसीएच चिकित्सालय करौली में भर्ती एक महिला को ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव की आवश्यकता पड़ी तो बहुत रेयर होता है यह ग्रुप, परिजनों में कोई रक्त देने योग्य नहीं था। ऐसे में उन्होंने अपने मित्र ब्रजेश को स्थिति से अवगत करवाया। तुरंत आवश्यकता को देख टीम जीवन रक्षक के मोटिवेटर वीकी कुमार में स्थिति साझा की। वह सूचना मिलते ही रक्तदाता राहुल शर्मा टीम मोटिवेटर सदस्य के साथ वीकी कुमार नरेंद्र सिंह पिचनोत के साथ ब्लड बैंक पहुंचे और अपने जीवन काल का छठवां स्वैच्छिक रक्तदान किया। टीम से मिली मदद के बदले अटेंडर स्वयं टीम से जुड़ा और अपने मौजूद साथियों को भी रक्तदान जैसे पुनीत कार्य में जुड़े टीम में जुड़ने के लिए प्रेरित भी किया। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।